पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अब देश में ऐसे मामलों को लेकर कड़े कानूनों की मांग होने लगी है। इसी कड़ी में रांची से विधायक नवीन जायसवाल ने घटना पर संवेदना व्यक्त की है, तो साथ ही कानून की मांग पर अपनी सहमति जताई है। नवीन जायसवाल जी से हम इनसे जाने, सर क्या मामला है? सर युवाओं को जो झारखंड में घटनाक्रम पूरी घटी, ये जो जेएमएम का हंगामा जो हुआ, प्रदर्शन हुआ ईडी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ, इससे युवाओं को भी काफी आक्रोश है युवाओं के बीच, क्योंकि उनका उनको युवा ने ये युवाओं में जो नौकरी का अभाव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई संवैधानिक संस्था कोई कार्रवाई करती है और इस तरफ का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कराना और संवैधानिक संस्था को चुनौती और डराना, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। कई बड़े बड़े नेताओं के ऊपर में ईडी सीबीआई, अगर कोई उनमें दोष नहीं है, कोई उनमें गुनाह नहीं है, तो फिर इससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हर एक संवैधानिक संस्था पर विश्वास रखना चाहिए और साथ देना चाहिए। सर और एक सवाल आपसे रहेगा, इतर आखिरी सवाल कि सर जो किस प्रकार से दिल्ली में जो घटना घटी, एक लड़की की 35 टुकड़े कर दिए गए, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि लव जिहाद को लेकर कानून को लाना चाहिए? देखिए, ये तो जितना इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की केवल एक दिल्ली की घटना नहीं है, पूरे देश में कई घटना है जो प्रेस और मीडिया में भी नहीं आती है। और लव जिहाद का जो ये मामला चल रहा है, इस पर अविलंब अंकुश लगना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि झारखंड में तो हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही, और लव जिहाद को लेकर जो दिल्ली में घटना घटी उसके लिए लव जिहाद को लेकर एक कानून लानी चाहिए। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राज, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।